खुदावंद यीशु की सरजमीन से आपको बहुत बहुत सलाम और खुश आमदीद। मैं हूँ सारा जमील और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मैं जहाँ पर मौजूद हूँ आपके साथ वो खुदावंद यीशु की सरजमीन है। अभी जिस शहर में मैं मौजूद हूँ बाइबल मुकद्दस में उसका नाम गदारा है, लेकिन अभी इसका मौजूदा नाम उमकैस है। ये 65 कबल अज़ मसीह डेकोपोलिस के शहरों में से एक शहर है जो गलील की झील के किनारे पर वाक़िया है। यहाँ से चंद मील के फासले पर नासरत का शहर है, जहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं गलील की झील से गुजरती हुई इस शहर पर आती हैं और मुझे मौतर करती हैं कि जहाँ से मुनज्जी दो जहाँ कायनाते कुल के शहंशाह मुजस्मा खुदा बचपन में खेले बड़े, अपनी माँ का हाथ पकड़ कर चले, कदो कामत पे बड़े, और कैसी वो अजीम माँ थी कि फरिश्ते भी झुक झुक कर उन्हें सलाम करते थे और उसने अपने बेटे के 100-100 लाड़ लड़ाए। आज के नासरत शहर में खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने के मुताबिक शहर बसाया गया है, जिसमें उस ज़माने के रहन सहन, मकानों, दुकानों और लोगों को दिखाया गया है। जबकि आज के जदीद शहर में कंवारी मरियम का गिरजाघर, जहां फरिश्ते जब्राइल ने उन्हें सलाम किया और मसीह की पैदाइश का पैगाम दिया, मौजूद है। इस गिरजाघर को 329 ईस्वी में शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन और उसकी मां हेलेना ने तामीर करवाया था, जबकि इस मौजूदा चर्च के नीचे ही वो ग्रोटो है जो मुकद्दसा मरियम और वली यूसुफ का घर था और यहां फरिश्ते ने माए अजीम को सलाम पेश किया था। मेरा दिल खुशी से भरपूर है कि मैं अपने खुदावन के घर में आई हूँ और वो अपनी बाहें फैलाए खड़ा कह रहा है कि मेरी बेटी खुशामदीद, मेरा पैगाम अपने वतन ले जा। यूं लग रहा है कि वो मुझे मुखातिब करते हुए कह रहा है कि तुम्हारी सलामती हो, जाओ और मेरे नाम की मुनादी करो। इन हवाओं में उसकी खुशबू आ रही है, इन हवाओं में उसका संदेशा है, इन हवाओं में निजात की खुशबू है, इन हवाओं में उनके अल्फाज हैं और इन हवाओं में उसका कलाम है। अभी जहां मैं खड़ी हूं यहाँ से 150 किलोमीटर यानी 2.5 घंटे की मुसाफत पर बैतलहम का शहर मौजूद है, जहाँ पर सुल्ताने कुल, सुल्ताने कायनात, सुल्ताने अनबिया, सुल्ताने अर्जो समा पैदा हुए। अगर मेरे साथ देखें
तो ये सितारे वाली जगह ही वो मकामे मुकद्दस है जहाँ पर कलाम मुजस्सम हुआ। कलमे ने जिस्म लिया और हमारे दरमियान रहा। आप देखें, ये वो मुबारक जगह है जहाँ पर सुल्ताने कायनात को चरनी में रखा गया। देखिए, ये वो मकाम है जहाँ तीन मजूसियों ने उसे सिजदा किया और कीमती तोहफे, सोना, मुर और लुबान पेश किए। इसके थोड़ी दूर ही वो मैदान भी मौजूद है जहाँ पर चरवाहे अपने गलों की निगाहबानी कर रहे थे और फरिश्तों ने उन्हें बशारते मसीह दी। तो जनाब, ये सब मकामात हैं बैतलहम शहर में और यूं ये छोटे से शहर ने सुल्ताने अदबिया और सुल्ताने कुल और नूरे खुदा को खुशामदीद कहा और हर साल लाखों जायरीन इसे देखने के लिए यहाँ आते हैं। मैं आपको साथ ही बताती चलूं कि बैतलहम के शहर से ही हजरत दाऊद थे और वो यस्सी के घराने से थे और बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है कि यस्सी के तने से एक कोंपल निकलेगी और उसकी जड़ों में से एक बराबर शाख पैदा होगी। तो गदारा के इलाके से बढ़ते हैं आज की किस्त की जानब। आप इसे गौर से देखें और याद रखें कि मैं आपसे आखिर में सवाल भी पूछूंगी, तो चले इसे गौर से देखें। दानियल की पेशनगोइयों को तकरीबन 500 बरस से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका था। 6 कबल उस मसीह में रोमियों ने यहूदियों को मजहबी आज़ादी दे दी, लेकिन उनसे भारी महसूल लेते। हैकल की तामीरें नौ हो चुकी थी और ये यहूदी जिंदगी का मरकज थी। ज़्यादातर लोगों को आने वाले मसीह की पेशनगोइयां भूल चुकी थी, लेकिन कुछ लोग अब भी शरीयत की पैरवी करते और मसीह का इंतज़ार कर रहे थे। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी भी था जिसका नाम शमून था। वो एक नेक आदमी था और उस शख्स को देखने का आरजूमंद था जिसके बारे में नबियों ने बताया था। उसने बड़े अरसे तक पेशनगोइयां पढ़ी और वो जानता था कि अब वक्त नज़दीक आ गया है, लेकिन वो अब काफी बूढ़ा हो गया था और शायद ज्यादा अरसे तक ना जी सकता। 4000 वर्ष पहले खुदावन ने पहली दफा हवा के साथ वादा किया था कि उसकी नस्ल में एक शख्स आएगा और शैतान के कामों को खत्म करेगा। अब वक्त आ गया था। 350 से ज्यादा पेशनगोइयां पूरी होने के लिए तैयार थीं। 6 कब्रज मसीह। ऐ इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, मैंने निजात दहिंदा का बहुत इंतजार किया है, लेकिन शायद अब मैं ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहूंगा। दर हकीकत तू वाकई ज्यादा अरसे जिंदा ना रहेगा, लेकिन मरने से पहले तू जरूर अहद के फर्जंद को देखेगा। शमून ने मुकद्दस सहीफों में तलाश शुरू की और उसे मसीह के बारे में बहुत सी पेशनगोइयां मिल गईं। शमून, तू रोजाना यहां आता है, काश सारे काहिन तेरी तरह दीनदार होते। मसीह के बारे में यशाया की पेशनगोई के बारे में तू क्या कहता है? इसके मुताबिक एक कुंवारी हामला होगी और एक बेटा जनेगी। यह औरत की नस्ल में से होना चाहिए, जिस तरह के हवा से कहा गया था। हाँ, यशाया ये भी कहता है कि वो खुदाए कादर कहलाएगा, लेकिन इन पेशन गोइयों को समझना बहुत मुश्किल है। मीका 5:2 के मुताबिक बेटा खुदा की तरह अजली होगा, और जबूर 45:6 के बारे में क्या ख्याल है, जहां खुदा फरजंद को खुदा कहकर मुखातब करता है? तुझे बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो तेरी बातों से मुत्तफिक होंगे, इसलिए तुम्हें ये बातें अवाम में नहीं करनी चाहिए। तुझे संसार करके मार दिया जाएगा। तू देखेगा, मेरे मरने से पहले मसीह जरूर इस हैकल में आएगा और मैं इसे देखूंगा।
हो सकता है ये ठीक हो। और तू कौन है? तुझे इन बातों का इल्म कैसे है? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत तुम्हारी बातें सुनी हैं। मैंने भी सहीफों का मुताला किया है, और 500 वर्ष पहले दानियाल ने भी बड़ी दिलचस्प बातें मसीह के आने के वक्त के बारे में बताई हैं। तुझे ऐसा क्या मालूम हो सकता है जो कि शरीयत के आलमों को नहीं मालूम? मेरा बाप शरीयत का आलम है और उसने मुझे पेशनगोइयां दिखाई हैं। खुदावन ने दानियाल को बताया कि इस वक्त से जब के हैकल की तामीर नो का हुक्म दिया गया, मसीह के कत्ल तक 483 वर्ष गुजर जाएंगे। अब तक 449 वर्ष गुजर गए हैं जब ये फरमान हुआ था, बाकी सिर्फ 34 वर्ष बचे हैं, जिसका मतलब है कि मसीह अब गलियों में चलता फिरता होगा। नहीं, अभी नहीं। पाक रूह ने मुझ पर यह बात जाहिर की है। इससे पहले कि मैं मरूं, मैं नन्हे मसीह को जरूर इस मकाम पर इस हैकल में देखूंगा। तुम्हें इन बातों का कैसे इल्म है? तू जरूर देखेगा। जैसे जैसे शमून बूढ़ा होता गया और हैकल में मसीह बौदा का इंतजार करता रहा, उसी दौरान एक कहन जिसका नाम जिक्रिया था, हैकल में दुआ के लिए गया। वो और उसकी बीवी बूढ़े थे, लेकिन उनका कोई बच्चा ना था। अचानक मस्बा की दहनी तरफ एक फरिश्ता जाहिर हुआ। बरोमत, तेरी दुआ सुनी गई है और तेरी बीवी अलिश्बा हामला हुआ और एक बच्चे को जन्म देगी और तू उसका नाम यूहन्ना रखेगा। बहुत से लोग इसकी पैदाइश पर खुश होंगे, क्योंकि वो लोगों को मसीह की आमद के लिए तैयार करेगा। वो मैं या कोई और तेज नशा आवर चीज ना पिएगा और एलिया की रूह और कुव्वत हासिल करेगा। मुझे किस तरह मालूम होगा कि जो तू कह रहा है सच है? मैं और मेरी बीवी अलिश्बा बच्चा पैदा करने की उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़े हो गए हैं और वो अपनी सारी उम्र में बांझ रही है। मैं जब्राइल हूँ जो खुदावन के हजूर में खड़ा रहता हूँ, और मुझे ये सब बातें तुझे बताने के लिए भेजा गया है। क्या तुझे निशान चाहिए? तू उस वक्त तक दोबारा ना बोलेगा जब तक तू ये सारी बातें पूरी होते हुए ना देखे। मैं बहुत खुश होंगी जब हम उसके बारे में बात कर सकेंगे। इस घर में बहुत खामोशी है, तुझे फरिश्तों को जवाब नहीं देना चाहिए। जिक्रिया, ये बात अब भी नाकाबिले यकीन है। हमारी कौम की माँ सारा की तरह खुदावन ने हमारी दुआओं को सुना और अब मैं एक अजीम नबी की माँ बनूंगी। 4000 बरस तक सब नबी मसीह की आमद के बारे में पेशनगोइयां करते रहे थे। 700 बरस पहले यशायाह नबी ने कहा था, देखो एक कमवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका मतलब है कि खुदा हमारे साथ। मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी। उसका कभी भी किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा था। वो मूसा की शरीयत के सारे अहकामात की फरमाबरदारी करती रही थी। अचानक एक फरिश्ता मरियम पर जाहिर हुआ। मरियम, तेरे ऊपर खुदावन की नजरें करम हुई है, तू हामिला होगी और तुझसे खुदा का बेटा पैदा होगा। ये किस तरह हो सकता है जबकि मेरा किसी शख्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं? खुदा की कुदरत तुझ पर साया करेगी, जो बच्चा तेरे रहीम में होगा वो खुदा का बेटा होगा। तेरी रिश्तेदार अलिश्मा, जो कि बांझ कहलाती थी, अब एक बच्चे को जन्म देगी। ये उसका छठा महीना है। मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हूँ। मैं खुदा के बेटे की माँ बनने वाली हूँ। क्या यूसुफ मेरी बात का यकीन करेगा? क्या वो ये बात समझेगा? हर कोई क्या सोचेगा जब उसे मालूम होगा कि मैं हामिला हूँ? मुझे मालूम है, मैं अलिश्बा के घर रहने के लिए जाऊंगी। अलिश्बा, मरियम मेरी बच्ची, तू औरतों में से मुबारक है और तेरे रहम का फल मुबारक है। मेरी क्या हैसियत है कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई है? क्योंकि जैसे ही मैंने तेरी आवाज सुनी, मेरे रहम में बच्चा खुशी के मारे उछल पड़ा। मेरी रूह खुदावन की बड़ाई करती है और मेरी रूह खुदावन मेरे निजात दहंदा से खुश है। इसके बाद सब नस्लें मुझे मुबारक कहेंगी, क्योंकि उसने नहायत बड़े काम किए हैं।
उसने हमारे दरमियान कमजोरों को इज्जत बख्शी। जिस तरह के उसने इब्राहिम से कलाम किया, उसी तरह उसने हमें अपने रहम से याद किया। मरियम अरिशबा के साथ तकरीबन 3 महीने रही। अरिशबा के हाँ बच्चा पैदा होने का वक्त आ पहुंचा। ज़िक्रिया को यकीन था कि वो बेटा होगा। वो कहता है कि एक फरिश्ते ने उसको ये बताया है। चलो अगर ये बेटा हुआ तो इसका नाम उसके बाप के नाम के मुताबिक ज़िक्रिया होगा। वो इसी तरफ आ रहा है, चलो उससे पूछते हैं। उसने बताया कि फरिश्ते ने उसको गूंगा कर दिया है क्योंकि उसने यकीन ना किया। आप बच्चे का क्या नाम रखना चाहते हैं? उसे लिखने के लिए एक तख्ती चाहिए। उसने लिखा है कि उसका नाम यूहन्ना होगा, जिस तरह के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था। लेकिन खानदान में यूहन्ना नाम का कोई भी नहीं है। ये वाकई लड़का है, बहुत बालों वाला लड़का। खुदावंद के कलाम के मुताबिक इसका नाम यूहन्ना है। ये इसराइल के लोगों को मसीह की खबर देगा। ये बोलता है, इतने महीनों के बाद ये बोला है। क्या ये वाकई पेशनगोई के मुताबिक एलिया है? उस दौरान यूसुफ को मालूम हो गया कि मरियम हामिला है और उसे मालूम था कि ये बच्चा उसका नहीं है। माँ, मैं अभी भी यकीन नहीं कर सकता, इसके इर्द गिर्द कभी भी कोई मर्द नहीं रहा। वो हर वक्त अपने खानदान के सामने रहती है और हर कोई ये जानता है कि मरियम बहुत ही पाकीज़ा लड़की है। यकीनन ये मैंने नहीं किया, लेकिन हकीकत सामने है, वो हामिला है। हाँ यूसुफ, तू क्या करेगा? अब मैं इसके साथ ब्याह नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि ये अवामी मसला बने। इससे जनाकारी के सबब संसार किया जा सकता है। शायद हम खामोशी के साथ ये मंगनी तोड़ दें। उसने क्या कहा कि उसका बाप कौन है? वो कहती है कि बच्चे का बाप खुदावंद है, जिसने किसी भी जिस्मानी तल्लक के बगैर रूहुल कुदस की कुदरत के साथ उसके रहीम में बच्चा दाखिल किया। ओ, कहीं उसका दिमाग तो नहीं चल गया? वो कहती है कि बच्चा पूरी दुनिया का नजात दहंदा होगा, वो इब्ने खुदा है। किसी भी औरत का इस तरह से बात करना खुदावंद की शान में बड़ी गुस्ताखी है। जितनी जल्दी और खामोशी से मुमकिन हो सके मुझे इससे अलग हो जाना चाहिए। उस रात जब यूसुफ सो रहा था, एक फरिश्ता उस पर जाहिर हुआ। ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने घर ले आने से ना डर, क्योंकि जो बच्चा इसके रहीम में है वो रूहुल कुदस की कुदरत से है। वो एक बेटे को जन्म देगी और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दिलवाएगा। ये यसाया की पेशनगोई की तकमील है। एक कवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी, जिसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है कि खुदावंद हमारे साथ। मरियम, तू मुझे कैसे माफ करेगी, क्योंकि मैंने तुझ पर शक किया। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ बहुत शानदार है और सदियों बाद इसराइल की तमाम औरतों में से खुदावंद ने मुझे चुना ताकि मसीह को इस दुनिया में लाए। वो बच्चा किस तरह का होगा? क्या वो जिस्म की सूरत में खुदा होगा? क्या वो बातें करेगा जो ही पैदा होगा? क्या वो पहले ही पढ़ना लिखना जानता होगा? यूसुफ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन खुदावंद सब जानता है। हमें बस इंतजार करना और देखना है। हम दोनों दाऊद की नस्ल से हैं और नबियों ने फरमाया था कि मसीह दाऊद की नस्ल से होगा। मुझे बस एक ख्याल सा आया है। बागे अदन में खुदावंद ने वादा किया था कि औरत की नस्ल सांप का सर कुचलेगी। मुझे अब समझ आया, ये बच्चा आदमी की नस्ल से नहीं होगा बल्कि सिर्फ औरत की नस्ल से है। वाह, खुदा का ये इरादा शुरू से था। वो
यूसुफ और मरियम गलील के शहर नासरत में रहते थे, लेकिन एक कदीम पेशन गोई के मुताबिक मसीह यहूदिया के शहर बैतलहम में पैदा होगा। बहुत जल्द मरियम एक गलत शहर में अपने बच्चे को जन्म दे देती। वो इस पेशन गोई से नावाकिफ थे और उनके पास कोई वजह नहीं थी कि बैतलहम का लंबा सफ़र करें। सुनो सुनो, सल्तनत रोम के हुकूमती ऐलान के मुताबिक जिस पर कैसर ने खुद दस्तखत किए हैं, मर्दम शुमारी होगी और इसराइल के सब लोग अपनी जायब पैदाइश को जाएंगे ताकि महसूल आयद करने के लिए रजिस्टर हों। यूसुफ, इसका मतलब है कि तुम्हें बैतलहम को जाना होगा। तुम जा चुके होगे जब बच्चा पैदा होगा। अगर मैं चला गया तो लोग नहीं समझ सकेंगे। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। मरियम, मुझे तुम्हें इस सफर पर नहीं लेकर आना चाहिए था। शायद हमें वापस मुड़ जाना चाहिए। नहीं, मुझे तेरे साथ ही होना चाहिए। जब ये बच्चा पैदा हो, कोई और ये बात नहीं समझेगा। तकरीबन 100 मील का सफर करने के लिए एक हफ्ते से ज्यादा वक्त लगा। अगर हो सकता है तो हमें जल्दी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है। मैं देखता हूँ अगर हमें सराय में एक कमरा मिल जाए। मरियम, मैंने एक दाई ढूंढी है जो हमारी मदद करेगी। क्या सराय में कोई जगह नहीं है? नहीं, वहाँ कोई जगह नहीं। पहले बच्चे के हिसाब से तुमने सब कुछ बहुत अच्छा किया है। अफसोस है कि इसे अस्तबल में पैदा होना पड़ा। इस बात से परेशान ना हो, एक दिन ये दुनिया पर हुकूमत करेगा। ये मुझे एक आम बच्चा लग रहा है। क्या ये एक फरिश्ता है? हजारों फरिश्ते। डरो नहीं, मैं तुम्हें खुशी की खबर सुनाने आया हूँ जो सारी उम्मत के लिए हो। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक निजात दहंदा पैदा हुआ है जो कि यहूदियों का मसीह खुदावन है। हाल में बाला पर खुदावन की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम उसे कपड़े में लिपटा और चर्री में पड़ा हुआ पाओगे। क्या तुम इस बात का यकीन कर सकते हो हम पर फरिश्ते जाहिर हुए? इंतजार करो जब तक कि मैं अपनी बीवी को बता ना दूं। क्या तूने सुना है कि इसने क्या कहा? मसीह इसराइल में पैदा हुआ है। मैं जाकर देखना चाहूंगा। एक नजात दहिंदा, आदमियों के लिए अमन, एक बच्चा, चलो चलकर देखते हैं। तुम्हें तकलीफ देने की मुआजरत चाहते हैं, लेकिन हमें एक फरिश्ते ने यहाँ आने की दावत दी है। मसीह? किसने सोचा होगा कि खुदा खुद बच्चे की शक्ल में हमारे दरमियान है? मरियम और यूसुफ नए पैदा होने वाले बच्चे को कहान के सामने लाएं और शरीयत के मुआफिक कुर्बानियां पेश करें। यूसुफ, ये इसका पहला मौका है कि ये हैकल में आ रहा है और कोई नहीं जानता कि यीशु ही मसीह है। और मेरा ख्याल है कि हमें कभी भी किसी को ये नहीं बताना चाहिए। इंतजार करते हैं जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता। शमून हैकल में था। वो आ गया है, हमने इसका बहुत इंतजार किया। मरियम, ये कौन है? मुझे नहीं मालूम, हमें यहाँ कोई नहीं जानता। खुदावन, हमारा खुदा मुबारक हो। अब मैं सुकून से मर सकता हूँ क्योंकि मैंने तेरे वादे के मुताबिक निजात देख ली है। ये गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। लेकिन आप ये कैसे जानते हैं? मेरी बात सुनो,
ये इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए एक निशान होने के लिए मकरर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाएगी। हाँ, तुम्हारी जान भी तलवार से चीत जाएगी जब तुम इस पर जुल्म होता हुआ देखोगे। देखो मसीह, ये अपनी हैकल में आया है, ये वही है जिसके बारे में नबियों ने बताया था। ये हन्ना है, इसने सारी जिंदगी मसीह के इंतजार में गुजारी है। ए नौजवान, ये यसू है, दुनिया का निजात दहंदा, या इसराइल को उसके गुनाहों से निजात दिलवाएगा। हन्ना ने उन सबको जो निजात का इंतजार कर रहे थे उसके बारे में उस वक्त के बाद से बातें करना शुरू की। इसराइल के मशरकी ममालिक में कुछ अक्लमंद लोग थे जो कदीम लिखाइयों का मताला करते और खुदा के बारे में और जानने की कोशिश करते। वो मसीह मौदा की पेशन गोइयों के बारे में जानते थे। ख्वाबों और रुया में खुदावन ने उनको जहर कर दिया था कि वादे का फर्जंद पैदा हो चुका है। फिर उन्होंने एक गैर ममूली सितारे को दरियाफ्त किया जो इसराइल की कौम की तरफ निशानदेही कर रहा था। हम बहुत दूर आ गए हैं, ये अजनबी जमीन है जहाँ हम जा रहे हैं, हम कई हफ्तों से सफर कर रहे हैं। सितारा आगे आगे चल रहा है और जहाँ तक ये जाता है हमें इसके पीछे पीछे चलना होगा। इसराइल का कोई बादशाह नहीं था क्योंकि रोमी उस वक्त उन पर हुक्मरान थे, लेकिन रोमी हुकूमत का मुकर्रर किया हुआ यहूदी बादशाह हेरोदीस यरूशलम पर हुक्मरान था। मजूसी नए पैदा होने वाले बादशाह के बारे में जानने के लिए हेरोदीस के पास गए। ऐ बादशाह हेरोदीस, तीन बहुत ही अमीर नजर आने वाले आदमी मशरक से आए हैं, वो इसराइल के नए बादशाह को ढूंढ रहे हैं जो कि एक बच्चा है। एक बच्चा बादशाह? उनको बताओ कि मैं बादशाह हूँ, उन्हें और सरदार काहन और शरीयत के आलमों को बुलवाओ ताकि वो मुझे इसके बारे में बताएं। तुमने कहा कि तुम एक बादशाह ढूंढ रहे हो जो कि एक बच्चा है, तुम्हें इस बात का कैसे इल्म हुआ? हमने मशरक में इसका सितारा देखा और हम इसे सजदा करने आए हैं। वो कहाँ है? हमें ठीक तौर से मालूम नहीं, यही जानने के लिए हम तेरे पास आए हैं। मैंने फकीरों और सरदार कहनों को बुलवाया है, अब देखते हैं कि उसके बारे में क्या जानते हैं। मेरे साथ एक अलग कमरे में आ जाओ। ये कह रहे हैं कि यहूदियों के बादशाह की इबादत के लिए आए हैं, वही जिसके बारे में पेशनगोईयां हुई थी कि वो लोगों को निजात देने के लिए आएगा। क्या तुम्हारे लिखे हुए सहीफे इस बादशाह के बारे में कुछ बताते हैं? हाँ, कई नबियों ने इसके आने के बारे में बताया है, लेकिन हम नहीं समझते कि ऐसी पेशनगोईयों की कोई हकीकत होती है। मैं तुम्हारे ख्याल के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता, मुझे सही सही बताओ कि पेशनगोईयां क्या कहती हैं। अच्छा, मिकाया नबी ने बताया था कि मसीह यहूदा के कबीले में बैतलहम में पैदा होगा। सुनो, मैं भी इस बादशाह को सजदा करना चाहता हूँ, और अगर वो तुम्हें मिले तो मुझे इसकी खबर जरूर देना। यकीनन जैसे ही हम इसे ढूंढ लेंगे आपको इसकी खबर जरूर देंगे। हेरोदीस बादशाह के पैदा होने से खौफ ज्यादा था, चनाचे उसने छोटे बच्चे को जैसे ही वो उसे मिलता मारने का इरादा किया। ये नकाबले यकीन था, वो रास्ता जो शरीयत के आलम जानते थे बिल्कुल वही था जहां इस बच्चे ने पैदा होना है, लेकिन वो अपने नबियों से मुख्तलिफ थे। इसराइल के नबियों की बातें सबसे मुख्तलिफ हैं, मैंने इस तरह की तफसीली पेशनगोईयां पहले कभी नहीं देखी। देखो, वही सितारा जो हमने मशरिक की तरफ देखा था, और फिर ये इन सितारों जैसा बिल्कुल भी नहीं जो पहले हमने देखे। ये बाकी सितारों के साथ हरकत नहीं कर रहा और वो काफी ज्यादा चमक भी रहा। इस मुकाम पर निशान लगाओ और कल हम इसके पीछे पीछे चलेंगे। वहाँ वो इस घर के ऊपर खड़ा हो गया है, लेकिन ये बैतलहम नहीं है, काफी महीने गुजर चुके हैं, शायद वो इस मुकाम से चले गए हों। ये हकीकत में अजीबोगरीब सितारा है, इसे बादलों से ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए।
ये वाकई काफी लंबा सफर हो गया है और हम तकरीबन इस जगह पर पहुंच चुके हैं। हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन हम कई हफ्तों का सफर करके इस नए पैदा होने वाले बादशाह को देखने और उसको सजदा करने आए हैं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? हमने तमाम लोगों के सहीफे पढ़े हैं। तुम्हारे नबियों ने इसके आने के बारे में पेशनगोईयां की हैं, और फिर एक सितारा जाहिर हुआ और हमें यहाँ लाने के लिए हमारी रहनुमाई की। ये अब भी तुम्हारे घर के ऊपर खड़ा है। हम आजी के साथ उम्मत के निजात दहिंदा के लिए ये तोहफे पेश करते हैं। ये कई लोगों को रास्तबाजी की तरफ लाएगा। उस रात खुदावन ने मजूसियों के साथ रुईया में कलाम किया और उन्हें बताया कि वो हेरोदीस को ना बताएं कि उन्हें बच्चा कहाँ मिला, बल्कि अपनी जमीन पर वापस जाने के लिए कोई और रास्ता अपनाएं। खुदावन ने यूसुफ के साथ भी कलाम किया और उसे बताया कि वो मिस्र को भाग जाए, क्योंकि हेरोदीस बच्चे को ढूंढ कर मरवाने की कोशिश में है। तो जी नाजरीन, कैसा रहा आपका तजर्बा? मुझे उम्मीद है कि आपने इस किस्त को देखने के बाद बहुत कुछ सीखा होगा। तो बढ़ते हैं अपने सवालात की जानिब। पहला सवाल, मरियम की मंगनी किस से हुई? ऑप्शन ए यूहन्ना, ऑप्शन बी नू, ऑप्शन सी यूसुफ, या ऑप्शन डी दानियल। दूसरा सवाल, कौन सा फरिश्ता मरियम के पास खुदा का पैगाम लाया? ऑप्शन ए इस्माइल, ऑप्शन बी जबराइल, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई भी नहीं। सवाल दोबारा सुने और देखें। पहला सवाल, मरियम की मंगनी किस से हुई? ऑप्शन ए यूहन्ना, ऑप्शन बी नू, ऑप्शन सी यूसुफ, या ऑप्शन डी दानियल। दूसरा सवाल, कौन सा फरिश्ता मरियम के पास खुदा का पैगाम लाया? ऑप्शन ए इस्माइल, ऑप्शन बी जबराइल, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई भी नहीं। आप अपने जवाबात हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। हमारा नंबर है 03211138296, या आप अपने जवाब हमें ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल है nikobud@gmail.com। तो जल्दी करें और 24 घंटे के अंदर अंदर हमें कल इसी वक्त तक अपने जवाब भेजें और पाए अपना बेहतरीन तोहफा। तो सारा जमील को अगले वक्त के लिए इजाज़त दे। खुदा आपको ढेरों बरकत दे और आपका हामी और नासिर हो। गुड बाय।